बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर आज फिर बड़ा बवाल मचा हुआ है। इमरान खान के लाहौर वाले घर पर बुलडोजर पहुंच चुका है। आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। बुलडोजर से इमरान खान के घर का गेट तोड़ा गया है। पुलिस की टीम इमरान खान के लाहौर वाले घर पर पहुंची है। जमान पार्क स्थित जो इमरान खान का घर है, यहां पर पीटीआई के समर्थक वहां पर घर के बाहर जुटे हुए हैं। पुलिस की टीम आज इस घर के अंदर भी दाखिल हो गई है और इमरान खान ने इसको लेकर यह बात भी कही है कि देखिए यह किस कानून के तहत हो रहा है, मेरे घर पर हमला किया गया। यह देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की टीम इमरान खान के घर के बाहर मौजूद और बुलडोजर लेकर के पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी और इमरान खान के घर का दरवाजा जो मेन गेट है उसको वहां पर पुलिस की टीम ने वहां पर तोड़ा है। और जमान पार्क में जो टेंट वहां पर लगाए गए थे, जहां पर पीटीआई के समर्थक पिछले कई दिनों से जुटे हुए हैं, उन सबको वहां से खदेड़ा गया और साथ ही वहां पर टेंट को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से आज बवाल देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा 14 मार्च को जब पुलिस की टीम पहुंची थी लाहौर पाकिस्तान के पूर्व पीएम के घर पर, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो उस दिन भी जमकर फायरिंग हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस टीम पर हमला किया गया था जिसमें 60 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए थे। और आज की ये तस्वीर आप देखिए, आज भी पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है, लेकिन तब पहुंची है जब इमरान खान इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी के लिए घर से निकल चुके हैं। इमरान खान के घर से निकलने के बाद पाकिस्तान में ये लाहौर के जमान पार्क स्थित घर पर उनकी ये तस्वीर आप देखिए, जहां घर के बाहर और अंदर पुलिस वाले आपको नजर आ रहे हैं। तशद्दुद किया जा रहा है और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान पुलिस के हत्थे आए हैं उन पर जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो अभी ये जो तमाम कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुलिस के हत्थे आ चुके हैं और ये जमान पार्क इमरान खान साहब के घर में मैं मौजूद हूँ और पुलिस जो है वो उनके उनके हत्थे तमाम कारकुनान जो है वो आ चुके हैं और तमाम कारकुनान को पुलिस जो है वो पकड़ रही है। अभी इनको प्रिजन वैन के जरिए जो है वो जेल में पहुंचाया जाएगा और यहाँ पर सांस लेना जो है वो मुश्किल हो और चुका है। इस वक्त सीधे रुक करते हैं इस वक्त पाकिस्तान का, जहां से हमारे साथ दो संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, गुलाम अब्बास और जमीर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलाम, इस वक्त बताइए क्या सूरत हाल है, क्या पुलिस की टीम ने घर पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी बीवी घर में अकेली है। ये बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर में इमरान खान के जमान पार्क के घर के दूसरी साइड पे मौजूद हूँ। मेरी सड़क के दूसरी साइड पे इमरान खान का जमान पार्क वाला घर है और वहां पर अब से थोड़ी देर पहले पुलिस का एक क्विक एक्शन हुआ है जिसमें पुलिस क्रेन और बुलडोजर लेकर पहुंची, जिसके बाद उन्होंने इमरान खान के घर का गेट तोड़ा। गेट तोड़ने के बाद अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल होकर वहां पर जितने थोड़े बहुत पीटीआई के सपोर्टर्स मौजूद थे उनको टॉर्चर किया। इमरान खान के घर पे उनकी अहलिया जो उनकी बीवी है बुशरा बीवी वो मौजूद थी, उनके जाती मुलाजमीन मौजूद थे, उनको टॉर्चर किया गया और घर के अंदर घुस के तोड़फोड़ की गई है। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहले हमने कभी नहीं देखा। ये जो हम TV9 पे विजुअल दिखा रहे हैं ये पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर का गेट तोड़ा गया हो और वो उस वक्त जब वो घर पे ना हो और उसके घर में उसकी सिर्फ पत्नी मौजूद हो। बुशरा बीवी जैसा कि थी और उनके मुलाजमीन मौजूद थे। इमरान खान के सपोर्टर्स पिछले 3 महीने से यहाँ पे थे लेकिन जैसे ही इमरान खान इस्लामाबाद गए तो वो उनके साथ इस्लामाबाद की तरफ मूव कर गए, जहां पर उसके बाद सपोर्टर्स नहीं थे, कुछ चंद उनके मरकज मौजूद थे, बाकी उनके मुलाजमीन थे घर के जो मुलाजम है। तो पुलिस ने ऐसे समय में ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पर तोड़फोड़ की जो हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं।